हेलो फ्रेंड्स, एक फिर बार न्यू वीडियो अपलोड हुई है क्योंकि फ्रेंड्स नेट नहीं चल रहा था। तो आज की इस वीडियो में मैं मिस्टीरियस एंड यूनिक थिंग्स जानने वाले हूँ क्रिकेट के बारे में। तो अब से हम हर वीडियो में लाइक्स को एम करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप आज के लाइक्स के एम को कंप्लीट कर दोगे, जो कि है 44 लाइक्स। आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर वन, क्रिकेट का नाम क्रिकेट ही क्यों होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिकेट इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। तो एक्चुअली क्रिकेट का नाम ओल्ड फ्रेंच और मिडल डस्ट से डेरिवर हुआ है। ओल्ड फ्रेंच में CRIQUET क्रिकेट एंड मिडल डस्ट में KRICKE, जिनका मतलब स्टिक होता है। तो क्रिकेट पहले स्टिक से खेला जाता था, इसलिए इसका नेम क्रिकेट और क्रिकेट से, मतलब कि CRIQUET और KRICKE से क्रिकेट पड़ा। नंबर टू, हम टेस्ट मैच में वाइट जर्सी क्यों पहनते हैं, T20 और ODI में क्यों नहीं? दिस इज बिकॉज टेस्ट मैचेस पूरे दिन चलते हैं, 90 ओवर्स। तो जो वाइट कलर होता है वो हीट और सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है और ज़्यादा कंफर्टेबल होता है पहनने में, और ये प्लेयर्स को स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है और प्लेयर्स थकते नहीं, क्योंकि रेड जो वाइट वैसे ही वाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है और ब्लैक अब्सॉर्ब, तो इसलिए हम वाइट पहनते हैं ताकि प्लेयर ज़्यादा थके भी ना, इन्हें डिहाइड्रेशन भी ना हो, तो इसलिए हम नॉर्मली वाइट कपड़े पहनते हैं। तो पहले भी हर मैचेस में वाइट कपड़े ही पहना जाता था, पर फिर 1980s के बाद इवोल्यूशन आया कि कलर, मतलब कलर वाले कपड़े पहनने के, तो पर टेस्ट मैच में तभी भी वाइट ही कपड़े पहनते हैं। नंबर थ्री, क्या आपको पता है रीजनल पॉपुलैरिटी क्रिकेट की पूरी दुनिया में इंडिया की सबसे ज़्यादा है? 100% इंडिया में, मतलब कि हर पूरे इंडिया के कोने में क्रिकेट को सब जानते हैं और क्रिकेट बहुत फेमस है, मतलब सब खेलते हैं। रीजनल पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिकेट फर्स्ट इंडिया में 100% के साथ, सेकंड पाकिस्तान 70%, थर्ड श्रीलंका 60%, फोर्थ बांग्लादेश 42% और फिफ्थ ऑस्ट्रेलिया 32%। तो आपने नोटिस किया कि फर्स्ट फोर कंट्रीज एशियन है और फिफ्थ ऑस्ट्रेलिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम क्रिकेट है, तभी भी ऑस्ट्रेलिया 50 में, इंग्लैंड तो इसके लिस्ट में है ही नहीं। नंबर फोर, क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक्स अ लॉट, पर अगर नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा लो, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जनरली हम क्रिकेट को हिंदी में क्रिकेट ही कहते हैं, पर शुद्ध हिंदी में क्रिकेट को लैम्प डैम गोल पिंड धरपकड़ प्रतियोगिता कहा जाता है। लैम्प डैंड गोल पिंड धरपकड़ प्रतियोगिता। नंबर फाइव, मैन कैडिंग रूल, MANKADING रूल। तो आप सबने IPL में जो अश्विन ने बटलर को रन आउट किया था उसे मैन कैडिंग रूल कहते हैं, वो तो सब आपको पता ही होगा जो आपने देखा ही होगा IPL में। पर फन फैक्ट ये है कि जो मैन कैडिंग रूल है वो एक इंडियन प्लेयर के सरनेम से आया है। ये रूल इंडियन बॉलर विनोम मैनकार्ड के सरनेम पर बना है। नंबर सिक्स, क्रिकेट में सिक्सेस तो बहुत लगते हैं, पर क्या आप जानते हो कि क्रिकेट में सबसे पहला सिक्स किसने लगाया था? क्रिकेट में सबसे पहला सिक्स ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जोई डार्लिंग ने लगाया था। इंटरनेशनल सिक्स जोई डार्लिंग ने लगाया था, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, 1898 में। नंबर सेवन, टेस्ट मैचेस में रेड बॉल से क्यों खेला जाता है? जो वाइट बॉल्स होती है वो लिमिटेड क्रिकेट्स में यूज़ करी जाती है, स्पेशली फ्लड लाइट्स डे नाइट गेम्स में, पर जो रेड बॉल होती है वो येलो फ्लड लाइट में ब्राउनिश कलर की हो जाती है, तो वो अच्छे से विजिबल नहीं होती टेस्ट मैच में एक बैट्समैन को, तो इसलिए वो जो रेड बॉल होती है वो यूज़ करी जाती है टेस्ट मैचेस में।
तो अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो दिल से अच्छी लगी होगी तो इसे प्लीज़ लाइक करना। अगर आप एक क्रिकेट के सच्चे फैन हो तो इसे अपने सब दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगली वीडियो में मिलते हैं, कमेंट करना मत भूलना। आपका मतलब आपको वीडियो कैसी लगी राय देना नीचे कमेंट में, और कुछ फैक्ट जो अनसीन आपको नहीं पता वो भी आप को ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।